हाँ जी, ये हाल चाल बढ़िया सब भाई। जो देखा ना आपने थंबनेल में बड़ा सारा माचिस का डब्बा, तो वही है बिग मैचेस। ये रे, ये देखो, ये रहा पूरा वो डब्बा। अब ये पूरा डब्बा हम दुकान से नहीं लाए हैं, ये हमने खुद बनाया है। ये देखो कैसे, ये रे देखो माचिस की तिल्लियाँ बड़ी बड़ी, देखो कितनी बड़ी तिल्ली है। और ये जो डब्बा भी है ना, ये हमने खुद तैयार किया है। ये खाली डब्बे लिए, उसके ऊपर ये रैप किया वाइट कलर का, और ये सब प्रिंट करा के लिखा है बिग मैचेस। और ये तिल्ली भी खुद बनाई है, ये देखो तिल्ली कैसी है। अब इस तिल्ली पे क्या क्या किया है, ये लकड़ी ले आए थे, फिर ये केमिकल लगाया। अब ये बनी कैसे है वो देखो, ये बनाई कैसे हमने। तो भाई जिस जिस सामान की जरूरत पड़ेगी वो है ऐसे लकड़ी के, हल्की वाली लकड़ी खोखली बिल्कुल, ऐसे चार ऐसी डंडी सी। और क्या लेना है, और लेना ये क्या है देखो, तो ये है चीनी। अब पीस गई तो चीनी के लेने हैं 3-4 चम्मच, 1, 2, 3, 4 चम्मच चीनी हो गई। अब 4 चम्मच लेंगे पोटेशियम नाइट्रेट, 4 लेंगे नहीं, इसको रखेंगे हम 8 चम्मच, 2:1 रखेंगे। ये जमा हुआ है टोटल 8 चम्मच। पोटेशियम नाइट्रेट आ गया, शुगर आ गई। अब इसमें डालूंगा मैं फेविकोल, जिससे चिपक जाए। ये फेविकोल डालेंगे इसमें थोड़ा सा, थोड़ा फेविकोल। और ये है सबसे खतरनाक केमिकल, इसके बिना ये वाला रिएक्शन अधूरा है। मतलब ये इतना स्ट्रांग है ना, अगर मैं इसे इस खाल पे गेलू भाई जल जाएगा, आग लग जाएगी। और अब देखो, कुछ नहीं है, ये पानी है। अब थोड़ी बहुत हंसी आई, इससे भी ज्यादा हंसी आती है मेरे दूसरे चैनल पे नटखट छोरे, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाओ भाई, एक से एक नंबर कॉमेडी वाली वीडियोस आ रही है। ये छोटे मोटे मजाक नहीं, तगड़े वाले मजाक होते, बहुत हंसी आएगी। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाओ और वीडियोस देखो। अब ये है पानी, इसमें कुछ नहीं है सर। तो अब इसमें मिलाते पानी, ये थोड़ा सा पानी मिलाया, इसको करता हूं मिक्स। तो अभी काफी टाइट से हो गया, मिक्स हो गया ठीक से। अब इसमें डालेंगे होली का कलर, क्योंकि माचिस के तेल के ऊपर जो कलर होता है वैसा कलर देने के लिए इसमें ये मिलाते थोड़ा सा। तब कलर भी मिक्स हो गया ठीक से। अब इसको रखते एक तरफ। अब लेते हैं अपने स्टिक को। अब स्टिक लेके इसमें डिप करी और ये थोड़ा सा इस पर आना शुरू हो जाएगा। जैसे ये आया अभी, अब ये गीला है तो ये बह रहा है। अब हल्का सा सूखेगा फिर इसमें और डालेंगे, थोड़ा और सूखेगा फिर और डालेंगे। अब बस टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सूखने का और डालने का। अब ये सूखेगा तब और डालेगा। अब इसको रखते हैं ऐसे ही, सूखने के लिए रख देते हैं। तो पता चला कितनी मेहनत लगी इसमें, लेयर के ऊपर लेयर, फिर सुखाना, फिर एक और लेयर चढ़ानी, ऐसे बहुत सारी लेयर लगा के तब ये मोटा हुआ है। बट इसमें फॉस्फोरस नहीं है, रेड फॉस्फोरस वगैरह जो केमिकल से तिल्ली में डलते हैं ना वो नहीं है, क्योंकि ये हमने खुद बनाया है। तो ये स्ट्राइक करने से जलेगा, इसे हम जलाएंगे लाइटर से। तो अब टाइम आ गया इसको जलाने का, 1, 2, 3 लेट्स गो। कोशिश तो बहुत की,
पर जैसे सोचा था वैसे जल नहीं पा रही है। ना ये जली ना जली, मे भी केमिकल गीला रह गया। तो भाई अब आपको कंटेंट थोड़ा सा अगर लगाओ यार ख़राब की नहीं जल पाई, कोशिश की, अगर अच्छा लगता है फिर भी एफर्ट अच्छे लगते हैं तो कर देना वीडियो को लाइक। आगे भी चाहते हो कि आपका भाई मेहनत करे और कुछ यूनिक ट्राई करने की कोशिश करे तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब। अब दोबारा मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। With the